मनोज एंड टुडे आई विल डिस्कस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हम लोग आज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है उसको हम लोग देखेंगे, विजुलाइज करेंगे। देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंतर्गत अगर देखें तो इंडस्ट्री कहां पर डेवलप होंगी, कारखाने कहां पर लगेंगे, उसके लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए और वो परिस्थितियां क्या होंगी जरा देखना। कोयले का उत्पादक क्षेत्र के समीप यानी कोयले क्षेत्र के समीप यानी कोयला जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है, ठीक। दूसरा क्या है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट फ्रिक्वेंट जो आपका कारक है, फैक्टर है, या आप कह सकते हो जो कच्चा माल है वो है आपका कोयला। भाई आयरन को अगर जलाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कोयले की जरूरत पड़ेगी। और कोयला कहां से मिलेगा आपको, बोलो बच्चे, वो मिलेगा आपको जहां पर कोयले के बेस्ट रिसोर्सेज होंगे भारत में। और कोयले के जो है कोयला मिलेगा तो कोयले से हम आयरन को जलाएंगे और आयरन को गलाने के बाद आयरन को सेव देंगे और उससे जो आपकी मशीनरी है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जहां पर कोयला क्षेत्र होगा वहां पर कारखाने लगेंगे, जो बेसिकली किसके होंगे, आपके आपके होंगे कारखाने, है ना, किसके, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के। अब अगर हम देखें तो लौ अयस्क क्षेत्र के समीप होना चाहिए जहां पर लोहा जो है ओर्स के फॉर्म में पाया जाता होगा, इंडस्ट्री वहीं डेवलप करेगी। तीसरा पॉइंट ये है कि कोयला और लोहा जो है उनके बीच का कोई एक पॉइंट होना चाहिए जहां पर इंडस्ट्री डेवलप करेगी, है ना, यानी ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहां पर कोयला भी आसानी से मिल सके और आपका क्या मिल सके, लौह अयस्क भी मिल सके, ठीक, वहीं पर इंडस्ट्री डेवलप करेगी। और तीसरा पॉइंट तटीय क्षेत्र होगा तो परिवहन आसानी से हो पाएगा, किसी नदी के किनारे का क्षेत्र होगा या फिर वहां पर ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता होगा तो वो वहां पर आपकी इंडस्ट्री डेवलप करेगी। देखिए रटने से आपको चीजें क्या है ना, आप रटोगे भूल जाओगे, लेकिन यहाँ पर अगर चीजों को विजुलाइज करेंगे, चीजों को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस पर अगर क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। अगर हम बात करें भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत तो 1874 में पहली बार बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर जो है बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना हो गई थी। बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना तो हो गई लेकिन बंगाल गवर्नमेंट ने जो बंगाल आयरन वर्क्स है इसको क्या कर लिया, अपने अधिग्रहण कर लिया। और अधिग्रहण करने के बाद, बंगाल गवर्नमेंट के अधिग्रहण करने के बाद इसका नाम इसको क्या रख दिया, बराकर आयरन वर्क्स, ठीक, बराकर जो नदी भी आप देखते हैं तो बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। अब देखो सर जो लौह इस्पात उद्योग है उसकी इंडस्ट्री कहां पर डेवलप होगी, देखिए कोयला क्षेत्र, कौन कौन से कोयला क्षेत्र है भारत में, तो देखिए दुर्गापुर, अच्छा ये बेसिकली सब आपको मिलेंगे छोटा नागपुर रीजन में, छोटा नागपुर रीजन में कोयले के भंडार है तो वहां पर कोयला मिलेगा तो वहीं पर इंडस्ट्री डेवलप करेगी। देखिए आपका दुर्गापुर, भिलाई, है ना, बोकारो जैसे है, देखिए दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, बर्नपुर वेस्ट बंगाल में, हीरापुर, आसनसोल ये पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, और यही कुल्टी वेस्ट बंगाल में है, सिंहभूमि आप देख रहे हैं जो बेसिकली झारखंड, झरिया झारखंड, और भिलाई आपका छत्तीसगढ़, और ये जो भद्रावती कर्नाटक, तो ये दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज वेयर द प्रोडक्शन ऑफ कोल, कोयले का प्रोडक्शन यहाँ होता है और कोयले के प्रोडक्शन होने के कारण ही यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री डेवलप करेगी, बोलो, यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप करेगी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप करेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लौह जो अयस्क है उसके समीप, लौह अयस्क देखिए राउरकेला से आपको लोहा मिल जाएगा, आपको भिलाई से बेसिकली छत्तीसगढ़ में जो है आपको वहां से भी कोयला मिलेगा, बस्तर में छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में जो नक्सलाइट रीजन है वहां से आपको बैराडीला हिल से जबरदस्त तरीके से कोयला लोहा मिलेगा, आयरन मिलेगा, विजयनगर से, सेलम से जो है आपको आयरन मिलेगा। और कोयला और लौह इस्पात उद्योग के बीच में यानी ऐसे स्ट्रेटजिक पॉइंट जमशेदपुर की है, इसलिए आप जमशेदपुर को देखेंगे कि बहुत ही डेवलप्ड और हाई रिच एरिया है यहाँ पर आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के। और तटीय क्षेत्रों में विशाखापट्टनम और आपका बेसिकली क्या है, गोपालपुर। तो आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आए होंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इन एरियाज में क्यों हुआ है, उसके पीछे ये कॉजेस हैं और ये आपको डेवलपमेंट है। छोटा नागपुर रीजन ये है, आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी, आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके।